दोस्तों अगर आप भी रोहित शर्मा और धोनी को शानदार खिलाड़ी और कप्तान मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों जीत के मुकाम पर खड़ी मुंबई को रौंद कर लखनऊ ने लिखी नई कहानी छोड़ दिया है। चैंपियन टीम ऑफ मुंबई और चेन्नई को कोसों पीछे बन चुकी है लखनऊ। प्ले ऑफ में क्वालिफाई करने वाली दूसरी टीम तो आखिर कैसे गंभीर के शेरों ने मचाई अंक तालिका में उथल पुथल। क्यों लखनऊ की जीत से मुंबई चेन्नई से लेकर बेंगलोर के सिर पर मंडराने लगी है? दौड़ से बाहर होने की तलवार क्या है? अंक तालिका का पूरा हाल प्ले ऑफ के समीकरण के साथ हम आपको अपनी इस वीडियो में दिखाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि रोहित शर्मा और धोनी में कौन सबसे महान कप्तान है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम में प्लेऑफ की सबसे बड़ी जंग देखने के लिए पूरी दुनिया उत्साहित थी। इस महामुकाबले में लखनऊ के सामने मुंबई इंडियंस की टीम थी। लखनऊ का खुद पर भरोसा तो देखने लायक था। शुरुआत में तो वो मुकाबले में बहुत पीछे छूट चुके थे, लेकिन फिर उन्होंने मुंबई के बार बार पलटवार करते हुए कुछ ऐसा किया जिस पर भरोसा कर पाना तो करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों के लिए नामुमकिन हो रहा है। जी हाँ, इस मुकाबले में सिक्का रोहित शर्मा के पक्ष में रहा और उन्होंने मेजबान की मेहमान नवाजी करते हुए उन्हें पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। दोस्तों रोहित के भरोसे पर खरा उतरते हुए मुंबई के गेंदबाजों ने शुरू में तो उनके एक के बाद एक तीन बदले बल्लेबाजों को पवेलियन की राह दिखा दी थी, लेकिन उसके बाद कप्तान कुणाल के साथ मिलकर ऑस्ट्रेलियाई सनसनी मार्कस स्टोइनिस ने मुंबई की नाक में दम करके रख दिया। जहाँ कुणाल पांडे 49 रन बनाकर रिटायर्ड हर्ट हो गए तो वही मुंबई ने राहत की सांस लेनी चाहिए, लेकिन स्टोइनिस ऐसा करने के लिए बिल्कुल भी विध्वंसक पारी नहीं खेले जिसमें लखनऊ को 20 ओवर में 177 रनों तक पहुंचा दिया था। इस पारी के दौरान उन्होंने 4 चौके तो वहीं 8 तूफानी छक्के भी लगाए थे। दोस्तों लखनऊ को तो अभी से लगने लगा था कि वो मुकाबला जीत गए हैं, लेकिन खौफ तो उनके मन में भी था और अब वो मुंबई के बल्लेबाजों का और डर से बहुत जल्द किशन और रोहित ने हकीकत में बदल कर रख दिया। दोनों का बल्ला इस कदर गर्जा कि लखनऊ की जीत की उम्मीदें पहले पावर प्ले में ही धूमिल हो चुकी थी। चौके छक्कों की झड़ी लगाते हुए दोनों खिलाड़ियों ने 90 रनों की ओपनिंग पार्टनरशिप कर ली। हालांकि उसके बाद रोहित शर्मा 37 रन बनाकर चलते बने 59 रन बनाकर आउट हो गए। वहीं मुंबई के सबसे बड़ी गलती थी दोनों खिलाड़ियों के आउट होने के बाद उनका टॉप ऑर्डर सूखे पत्तों की तरह बिखर गया। सूर्य डेविड निहाल जैसे बड़े बड़े बल्लेबाज भी कुछ नहीं कर पाए और अंतिम ओवर में जब 11 रनों की दमदार मुंबई को थी दरकार, तब टीम डेविड कैमरन ग्रीन इसे बनाने में नाकाम साबित हुए और लखनऊ ने लगातार तीसरी बार मुंबई को अपने सामने घुटनों पर ला दिया। वहीं दोस्तों लखनऊ की जीत के बाकी बची हुई टीमों की चिंता बढ़ा दी है, यहां तक कि धोनी और कोहली के भी पसीने छूटने लगे हैं। तो कैसे लखनऊ ने अंक तालिका में मचाई उथल पुथल, चलिए वो जान लेते हैं। तो दोस्तों दिल्ली और हैदराबाद की टीमें तो प्लेऑफ में बाहर हो चुकी हैं, ऐसे में उनके बारे में बात करना व्यर्थ है। वहीं फिलहाल तो पंजाब की टीम इस दौड़ में सबसे पीछे दिख रही है, जो 8वें पायदान में मौजूद है। उनका नेट रन रेट भी बेहद कम है, हालांकि उनके 12 मैचों में 12 अंक हो चुके हैं। ऐसे में उन्हें लगातार 2 मैचों में 2 जीत हासिल करनी होगी। उनके ठीक ऊपर मौजूद कोलकाता की टीम रन रेट में तो पंजाब से आगे है, लेकिन वो चाहकर भी केवल 14 अंकों तक पहुंच सकती है। ऐसे में कोलकाता का प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर पाना लगभग नामुमकिन जैसा हो चुका है। हालांकि दोस्तों अनिश्चितताओं के इस खेल में उनकी भी संभावना बनी हुई है। वहीं दोस्तों 6वें पायदान पर मौजूद है रजवाड़े रॉयल्स की टीम, जिनके 13 मैचों में 12 अंक है। उनका भी हाल कोलकाता जैसा हो चुका है, हालांकि उनका नेट रन रेट प्लस में है। ऐसे में यदि 14 अंकों में प्लेऑफ का पेज फंसता है तो राजस्थान सबसे आगे नजर आएगी। 5वें पायदान पर सभी की चहेती बैंगलोर की टीम मौजूद है, जिनके 12 मैचों में 12 अंक है। उनके खिलाफ प्लेऑफ में क्वालिफाई करने के लिए 2 मैचों में जीत चाहिए, उनका रन रेट भी प्लस में है। ऐसे में केविन जीत उनके लिए प्लेऑफ के दरवाजे खोल देंगे, लेकिन मुश्किल समय में बैंगलोर का खराब इतिहास उनके लिए चिंता का विषय है। अब दोस्तों बात करते हैं प्लेऑफ की 4 टीमों की, तो लखनऊ ने मुंबई को करारी हार का स्वाद चखाने के साथ उन्हें टेबल में 4थे पायदान पर धकेल दिया, जहां मुंबई के 13 मैचों में 7 जीत के साथ 14 अंक है और अब उन्हें अपने आखिरी मुकाबले में किसी भी कीमत पर बड़े अंतर से जीत चाहिए होगी, अन्यथा वो दौड़ से बाहर हो जाएंगे। तो वहीं अपनी जीत के बाद लखनऊ तीसरे पायदान पर आ चुकी है। 13 मैचों में 7 जीत से मिले 15 अंकों से लखनऊ प्लेऑफ में लगभग क्वालिफाई कर चुकी है, जहां उनका नेट रन रेट भी प्लस में 0.304 बना हुआ है। वहीं दोस्तों बात करें टॉप 2 टीमों की, तो अभी भी वहां गुजरात और चेन्नई का कब्जा है। गुजरात जहां 18 अंकों के साथ क्वालिफाई कर चुकी है, तो वहीं चेन्नई के 13 मैचों में लखनऊ के समान 15 अंक हैं, लेकिन उनका रन रेट लखनऊ से काफी बेहतर प्लस में 0.381 है। जहां ऐसे में दोनों टीमों के बीच पोजीशन को लेकर कड़ी टक्कर देखने को मिलने वाली है। जी हां दोस्तों, आखिरी स्टेज में हमें प्लेऑफ का केवल एक क्वालिफायर मिल पाया है और बाकी बचे 3 स्पॉट के लिए 8 टीमों के बीच तगड़ी जंग देखने को मिलेगी। लेकिन आपको क्या लगता है कि गुजरात के अलावा कौन सी टीम प्लेऑफ में क्वालिफाई करने वाली है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।